लालू तेजस्वी के चलते टेंशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश की 5 साल की सबसे बड़ी प्लानिंग चुनाव में ही फेल। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के साथ कर दिया बड़ा खेल। तेजस्वी के एक मुद्दे के सामने नीतीश का सारा मुद्दा हुआ फेल। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जोर शोर से गांधी जयंती के दिन जारी की गई तो इंडिया और एनडीए गठबंधन में श्रेय लेने की होड़ मच गई थी। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग राज्य में सबसे बड़ा सामाजिक समूह था, जिसकी जनसंख्या का 36.1% है। इसके आधार पर जेडीयू के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए महागठबंधन सरकार ने तुरंत अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए कोटा 50 से बढ़ाने की घोषणा की। उसे बढ़ाया भी, लेकिन जनवरी में नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने के बाद से जातिगत सर्वे का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। नीतीश कुमार, जिन्होंने जाति सर्वेक्षण का समर्थन किया था और पिछले 3 वर्षों से इसके इर्द गिर्द अभियान चलाया था, नीतीश कुशासन बनाम सुशासन के अपने आजमाए और परखे हुए विषय पर वापस आ गए हैं। केंद्र की मुफ्त राशन और आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड से लेकर उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन तक विभिन्न लाभार्थी योजनाएं हैं। वोटरों का कहना है कि जेडीयू और भाजपा उम्मीदवार मोदी के नाम पर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि विपक्ष के लिए मुसलमानों और यादवों के अलावा किसी भी सामाजिक समूह को आकर्षित करना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो जाति सर्वेक्षण के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वह एनडीए में वापस आ गए हैं क्योंकि वह जानते हैं कि केवल मोदी फैक्टर काम करता है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने इस बात पर जोर दिया कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी अकेले कारक। उन्होंने कहा कि हमें किसी अन्य मुद्दे की जरूरत नहीं है, मोदी अकेले ही सभी सामाजिक समूहों की संचयी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी भी राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की आवश्यकता को समाज के एक्सरे के रूप में सामने लाते रहते हैं, लेकिन अभियान के दौरान उनके सहयोगी और राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की भूमिका के बारे में बात करने पर अड़े हुए हैं। विपक्ष लगातार नौकरियों की बात कर रहा है। आरजेडी के एक नेता कहते हैं कि एक राष्ट्रीय चुनाव है, एनडीए चाहता है कि लड़ाई मोदी बनाम दूसरों के बीच रहे। महागठबंधन का मानना है कि पलायन और नौकरियां ही असली मुद्दे हैं। बहरहाल बिहार में जातीय जनगणना चुनावी मुद्दा न बनकर नौकरी, राशन, स्वास्थ्य कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन अखबार।